माफी अगर नहीं तो लाठी अगर नहीं है तो जानने का विषय है कि क्यों वो संवाद जो प्रखंडों में पंचायतों में जिले के विभिन्न कार्यालयों में पूरी तन्मयता के साथ और अपने पदाधिकारियों के अजीज बनकर करीबी बनकर काम करते हुए सेवा करते हुए जिन्होंने 11 साल बिता दिए अपनी सेवा काल के आज क्या मजबूरी आ पड़ी है कि मंत्रालय के सामने थी उनका पुनर्गठन झारखंड की धरती पर भी हो जाना चाहिए। इसी निदेशालय में जब हम धरना करने आए तो सामने आपने वो चिट्ठी रद्द कर दी, आपने रद्द कर दिया, लेकिन आपने भी एक षड्यंत्र कर दिया। आप एक ऐसी चिट्ठी का आप उल्लेख कर रहे हैं आज से लगभग एक साल पहले जो चिट्ठी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो चिट्ठी अगर एग्जिस्ट करता तो क्या 8 जिलों में एमएसपी का लाभ दे दिया जाता? बिल्कुल डटेंगे और तब तक डटेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस संवर्ग को। आज इस बिल्डिंग में बैठे हुए भाई भी हमारा दर्द समझ रहे हैं, हम अपने दर्द को चाहते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। आप धनबाद का जोश आपने देख लिया, शौक से यहां नहीं आया, कोई तालाबंदी करने के लिए नहीं आया है, कोई आक्रोश दिखाने के लिए नहीं आया है, कोई उग्रता दिखाने के लिए नहीं आया है, बल्कि न्याय के लिए मंत्रालय के दरवाजे पर बैठा हुआ है। और हमारी आवाज अगर इनके दिल तक पहुंच रही है तो हम समझते हैं इस तपती धूप में हम तमाम जनसेवकों को यहां पर बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा बहुत दिनों तक। झारखंड में नहीं हो पाया है ये कहीं ना कहीं बचोटता है, ये बहुत ही दुख की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी मांग पत्र को बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे और देखेंगे। आज तात्कालिक कारण कहा जाए यहां आने का तो उनको ठीक है, कौन है वो जनसेवक आप बताइए इस बात को, क्या आपके पास 2000 की कोई नियमावली है? आप दिखाइए उसको कि कौन सी नियमावली झारखंड में 2000 की नियमावली। इसलिए इन टेक्निकल चीजों को यह ऐसा संवर्ग है ना, ये या तो वकील होंगे और अगर समय पर जेपीएससी अगर होते रहता तो सभी विभिन्न प्रखंडों में वीडियो ये ऐसे लोग हैं, आप ऐसे संवर्ग को छेड़ने का काम कर रहे हैं। चिट्ठी का एक एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग, आपने जो एक शब्द पढ़ा हुआ है ना वो किसी काम का नहीं। इसीलिए इस गलती को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए अच्छा। बीच खेला में नियम बदलता है क्या? बीच खेला में कभी नियम बदलता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप सीसीएम की आप विज्ञापन निकाले हैं, सीसीएम का नियमावली पढ़ेंगे क्या विज्ञापन के साथ? हम बताइए आज झारखंड के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की वो नियमावली देखेंगे या आपका फाइल देखेंगे नियुक्ति का भी कहां आपने क्या लिखा हुआ? विज्ञापन किसी भी नियुक्ति की आत्मा होती है और वो विज्ञापन में अपना स्पष्ट लिखा हुआ है 2400 पेज पे, और एक बार नहीं आपने एक्सटेंड किया
आप उसमें भी आपने 2400 जिक्र किया है और जिस चिट्ठी से आप इस विज्ञापन के पीआर को रद्द करने की बात कर रहे हैं अभी भी आप गलत हैं। आपने केवल एक पीआर रद्द किया है निदेशक महोदय, एक और पीआर निकला था, उस पीआर को आपने आज भी रद्द नहीं किया है, इसीलिए वो विज्ञापन आज भी पेश करता है। इस तरह सत्य का खेल मत खेलिए जनसेवकों के साथ, ये जनसेवक संबंध है। अगर विभिन्न कार्यक्रम में काम करता है, झारखंड के जनता को हक और अधिकार दिलाता है, तो अपना हक और अधिकार भी ले। कुछ अन्याय हुआ है, उसी अन्याय को न्याय में बदलने के लिए आज हम अपने पैतृक सचिवालय के पास अपनी मांग को रखने आए हैं कि हमारे जो बैठे हुए हैं बड़े भाई, वो उनके कानों तक यह आवाज जाए कि उनके छोटे भाई किस तरह से 36 दिनों से धूप में बैठे हुए हैं अपने न्याय को मांगने के लिए। जो न्याय वो 11 साल से जिस पे टिके हुए थे, वो अचानक अन्याय कैसे बदल गया। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बहन सुजाता बहन को और अपने भाई दिलीप भाई को कि वो हमारे जितने क्रांतिकारी भाई हैं उनका और हमारी जो भी मांगे वो निश्चित तौर पर वो मांग जनसेवक अपने लिए नहीं बल्कि झारखंड के किसानों के हित में, झारखंड के कृषि के हित में। इन सारे डिमांड्स को अगर गौर से देखा जाए तो या तो वो नियमावली के अंग है या तो झारखंड की कृषि में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो डिमांड्स जरूरी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद।
उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के धनबाद जिले से हमारे साथी अपनी बात